हेलो टीचर्स, मेरा नाम है सोहन और मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल पर। ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट में ग्रो करने में टीचर्स की, एजुकेटर्स की, कंटेंट क्रिएटर्स की, सबकी हेल्प करेगा तेरा क्लास प्लस। अगर आपका है अपने ऑनलाइन टीचिंग के बिजनेस को बढ़ाने का मिशन, तो हमारे पास है आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो गौर से देखिए इस वीडियो को, ये वही वीडियो है जो आपके ऑनलाइन टीचिंग के सफर को आसान बना देगी। तो आज आप बनिए स्टूडेंट और मैं बनता हूं टीचर, और आपको सिखाता हूं कि कैसे आप अपने ऑनलाइन टीचिंग के सफर को आसान बना सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंच जाए। तो वीडियो काफी डिटेल्ड होने वाली है, बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं आप कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दे। याद रखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आज हम बात करेंगे गूगल क्रोम एक्सटेंशंस के बारे में। गूगल क्रोम एक्सटेंशंस क्या है, कैसे काम करता है और आपके काम कैसे आ सकता है। तो सबसे पहला सवाल आता है, आखिर ये गूगल क्रोम एक्सटेंशंस क्या है। चलिए ये मैं आपको बताता हूं। अब मान लीजिए कि आप एक नाव में बैठे हैं और आप एक नदी में भी हैं, तो आपके पास नाव भी है, नदी भी है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे। जैसे कि एक नाव को चलाने के लिए चप्पू की जरूरत पड़ती है, वैसे ही किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस या प्रोग्राम को चलाने के लिए गूगल क्रोम एक्सटेंशंस काम करते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये आपके लिए फायदेमंद कैसे है। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। अब ये भी मैं आपको बताता हूं, गूगल क्रोम एक्सटेंशंस आपके काम को बहुत आसान बना देते हैं। जैसे अगर आपको कोई लिंक शेयर करना है, स्टूडेंट्स के साथ कोई फाइल शेयर करनी है, अपने लेसन के लिए कोई यूजफुल रिसोर्स चाहिए या कोई पोस्ट रीड करनी है, तो आपके ये सारे काम बस एक क्लिक पर हो जाते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो चलिए अब मैं बताता हूं आपको कुछ गूगल क्रोम एक्सटेंशंस के बारे में जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। सबसे पहला है स्मॉल पीडीएफ। अगर आपको कभी ऐसा लगा हो कि ये असाइनमेंट आपके स्टूडेंट्स के बहुत काम आ सकता है, लेकिन वो फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में हो, तो आप सोचते होंगे काश ये एडिटेबल फाइल होती। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास है स्मॉल पीडीएफ, जो कि आपकी फाइल को एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, वो भी बिना किसी परेशानी के। उसके बाद आता है पॉकेट। पॉकेट एक ऐसा एक्सटेंशन है जिसमें आप आर्टिकल सेव कर सकते हैं फ्यूचर में पढ़ने के लिए, और आप उन्हें कैटेगराइज भी कर सकते हैं जिससे आप आसानी से उन्हें सर्च कर सके। उसके बाद आता है ग्रामरली। ग्रामरली स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को बेहतर इंग्लिश लिखने में हेल्प करता है। ये एक्सटेंशन आपकी ग्रामर चेक करता है जब आप गूगल डॉक या फिर अपने किसी भी फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे होते हैं। ग्रामरली आपकी राइटिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक्स मार्क करता है जब आपको सही और बेहतर इंग्लिश लिखनी हो। उसके बाद आता है गूगल कीप। गूगल कीप काम करता है एक डिजिटल स्टिकी नोट्स की तरह। आप इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हो, जैसे कि वेबसाइट्स, इमेजेस, कोट्स एक्सेट्रा, जो आप अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो, ताकि जब आपको उनकी जरूरत पड़े आप आसानी से एक्सेस कर सके। तो अगला एक्सटेंशन है मोट। मोट आपको आपके स्टूडेंट के असाइनमेंट पर वॉइस नोट कमेंट करने की फैसिलिटी देता है, और ये काम करता है गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स एंड गूगल शीट्स के साथ। तो अगर आपको अपने स्टूडेंट को स्पेसिफिकली किसी टॉपिक पर कुछ समझाना है, तो आप मोट एक्सटेंशन से वॉइस नोट कमेंट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मोट एक्सटेंशन आपको 20 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने का ऑप्शन देता है। अगला एक्सटेंशन है स्क्रीनकास्टिफाई। ये एक्सटेंशन आपको 5 मिनट तक की वीडियो रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी देता है। अगर आपको अपने स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप कुछ समझाना है, तो आप अपने स्टूडेंट्स को मिनी लेक्चर रिकॉर्ड करके दे सकते हैं। स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो, तो वो भी स्क्रीनकास्टिफाई में बना सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स या प्रेजेंटेशंस डायरेक्टली आपकी गूगल ड्राइव में सेव हो जाती हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर अब तक आपने गूगल क्रोम एक्सटेंशंस यूज नहीं किए हैं, तो आज ही अपनी जरूरत के हिसाब से एक्सटेंशंस ऐड कीजिए और अपने ऑनलाइन टीचिंग के सफर को आसान बनाइए। वीडियो आपको कैसी लगी ये कॉमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।
तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ।